भारती जिंदाबाद, वैन कुमारी भारती जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, मैं जी आप संघर्ष करो, मैं जी आप आगे बढ़ो, मैं जी आप संघर्ष करो, वैन कुमारी भारती जिंदाबाद, वैन कुमारी भारती जिंदाबाद, वैन कुमारी भारती जिंदाबाद, वैन कुमारी भारती जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। मैं बड़े अदब के साथ माननीय बहन जी से गुजारिश करते हैं कि जन सैलाब को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन जी तुम, बहन जी तुम संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय बहन जी हमारे बीच में संबोधित करने कष्ट करें। माननीय बहन जी, बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में वे यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि आपकी जो मेरठ लोकसभा की सीट है, वैसे तो यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है, और अपर कास्ट समाज में से जो त्यागी ब्राह्मण समाज है उनकी भी आबादी बहुत ज्यादा है। हमने पूर्व में यहाँ इस सीट पर तो कई बार मुस्लिम समाज को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। लोकसभा के लिए हमने मुस्लिम समाज के व्यक्ति को चुनाव के मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार त्यागी ब्राह्मण समाज के लोगों की ये दिली तमन्ना थी कि बहुजन समाज पार्टी इस बार किसी त्यागी या ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मौका दे, चुनाव लड़ने का मौका दे। तो मेरठ जो लोकसभा की सीट है, इस सीट पर हमने त्यागी ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर, साथ ही इनकी आबादी को भी ध्यान में रखकर, हमने इस बार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्री देवव्रत त्यागी को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी एक काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यह लोकसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे, और इसके लिए
अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से यहाँ बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का लगातार ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में चार बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमने अपनी चारों हुकूमतों में किसानों को खेती करने के लिए समय से सस्ते साधन हमने उपलब्ध कराए हैं, इसके साथ ही इनकी हर फसल का उचित दाम भी हमारी सरकार ने दिया है और आपके पश्चिमी यूपी में गन्ना काफी पैदा होता है। गन्ना किसानों को हमने पूर्व की रही सरकारों और वर्तमान सरकार की तुलना में हमने काफी बढ़ा चढ़ा के दाम गन्ना किसानों को दिया है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक
एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक भी पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और मैं एससी एसटी वर्गों के कर्मचारियों को यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी तो इस सरकार ने एससी एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। क्या एससी एसटी के कर्मचारी वर्ग या इस वर्ग के जो लोग हैं क्या ऐसी पार्टी को एक भी वोट देकर अपना खराब करेंगे? जो पार्टी आपके आरक्षण को खत्म करने के लिए पूरे जी जान से लगी हुई है और वो सपा नहीं चाहती है एससी एसटी वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। और इतना ही नहीं, जब इसके बिल को प्रभावी बनाने के लिए हमने राज्यसभा में संशोधन विधेयक हमारी पार्टी द्वारा सरकार पर काफी दबाव बनाकर जब ये विधेयक आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को ही फाड़ दिया था पार्लियामेंट के अंदर। अब आप खुद बताइए कि ऐसी समाजवादी पार्टी दलितों का, शोषितों का क्या वो भला कर सकती है? और इतना ही नहीं, इन वर्गों में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर जो हमने जिले बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और पार्क आदि बनाए, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, वो भी ज्यादातर समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल दिए थे। साथ ही केंद्र में, राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका इन और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद साई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही बना रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी
अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक अजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं, और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है, यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल यहाँ हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका अस्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके फिर जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की भी आड़ में, धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी फिर जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं।
जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से काफी अजमा बीत चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि आप लोगों की लंबे अरसे से ये मांग रही है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की जो बेंच है तो वो आपके मेरठ में भी बननी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार लखनऊ में बेंच बनी है उसी तर्ज पर आपके मेरठ में भी बेंच बननी चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जब हमारी पार्टी केंद्र की सत्ता में आ जाएगी तो इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी। इसके अलावा आपका जो पश्चिमी यूपी है तो ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने के लिए हमारी पार्टी शुरू से ये चाहती है कि पश्चिमी क्षेत्र को मिलाकर अलग से स्टेट बनाया जाए। हमने असेंबली से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र की सरकार के पास भेजा था, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसे अमल में नहीं लाया। जब केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके पश्चिमी यूपी को अलग से स्टेट बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के भी लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश वे आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ आपकी मेरठ लोकसभा की सीट से जिनको चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के
अपने मेरठ के लोकसभा प्रत्याशियों को प्रत्याशी को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है, इनको जरूर जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है। इस पुरजोर खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान?